जो ऐसे भी रखा है उसको बीच बीच में पढ़ते रहिए। बीच बीच में क्या, मेरे हिसाब से तो रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़िए आप। उसमें जैसा लिखा है वैसा ही आपको गाड़ी चलाना है, समझे ना। आपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, और जो आपको एस ओ पी दिया गया आपने सिग्नेचर किए हैं तो इसका मतलब है कि अगर जो एस ओ पी के हिसाब से आप कोई भी काम नहीं कर रहे उसके वजह से घटना या दुर्घटना हो जाती है, आप खुद जिम्मेदार रहेंगे उसका। बढ़िया था वो एस ओ पी को आप कागज़ का टुकड़ा बोल के मत समझिएगा। आप एस ओ पी लेते समय जो सिग्नेचर किए हैं उसका मतलब है कि पूरी जिम्मेदारी से आप वो एस ओ पी को पढ़े, आप समझे, उसी के हिसाब से आपको काम करना है, उससे उन्हीं बीस करना नहीं है। उसके बाद में अगर कुछ हो जाता है तो आप ही करा लें, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी कोविड का बहुत पोजिशन खराब चल रही है। इतना रोज हम लोग डीपी आते हैं तो ये आदमी सीरियस है, ये आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ये आदमी मर गया, उनके रोज हम लोग सुन रहे हैं। आप लोग भी सुन ही रहे होंगे, महाराष्ट्र में तो बहुत ही हालत खराब है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, कमरों में भी आप लोग जो रहते हैं मास्क लगा के रहिए, मास्क उतारना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। और किसी से खर्रा खैनी तंबाकू कुछ लेना नहीं है। अभी कुछ दिन तक वो सब पुकट वाला काम बंद कर दीजिए आप, ठीक है। और जो ये हाजिरी लगाने के आते समय सब सैनिटाइजर रखा हुआ है आपके अटेंडेंस रूम में, साथ में सैनिटाइजर का छोटा बॉटल भी रखो। जैसी गाड़ी में चढ़ेंगे 150 रुपये खर्चा होंगे, कोई बात नहीं, जान से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर से पैसा नहीं रहेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपको या हमको कुछ हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसको आएगा, अगर जो हम बीमार पड़ गया या आप बीमार पड़ गए तो किसके इफेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी, हमको तो होंगी, हमारे साथ साथ में घर वालों को। उसके बाद में जो हम लोग के जो चहेते लोग हैं जिसके साथ में हम लोग दिन रात बैठते उठते हैं, उनके साथ में आप बीमारी उनको पकड़ा दिए तो उन लोग भी परेशान हो जाए। इसीलिए अपना ख्याल रखो, और पहले जो है ये महामारी से कैसे निकलना है आप देखिए। उसके लिए अपने एरिया हॉस्पिटल में टाइम टाइम से जो है वैक्सीनेशन हो रहा है, 18 साल के ऊपर में अभी एक 15 दिन के बाद में चालू होने वाला है 18 साल के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन, और जो लोग 45 साल की उम्र वाले हैं उसके ऊपर वाले फ्री में इधर टीकाकरण चल रहा है अपने एरिया हॉस्पिटल में। और मैं जो है नरेंद्र खट्टे जी को, कुलवंत सिंह को, और साधु साहब को, और इसको क्या नाम है अजय सेंडा को, इनको मैं व्हाट्सएप में भेजता हूँ कि भाई ये तारीख को आपका वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल में है बोल के। जब यहाँ पे बाजू में आप लोग आके नज़दीक में, ज़्यादा आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर आइए, एकदम 8:30-9 बजे पहुँच जाइए, पहला नंबर लगाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके लिए कुछ नहीं लगता है, सिर्फ अपना आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड लाइए और उधर रजिस्ट्रेशन कराइए, 1.5 घंटा इंतज़ार करने से नंबर लग जाएगा, वैक्सीनेशन कराइए। जितने भी आपके साथ में जो काम कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है उनको सबको बोलो, जिसका 45 साल का उम्र है फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर जो वही वैक्सीनेशन आप बाहर लेने जाएंगे 1500-1800 रुपये लगेगा आपको। तो इधर WCL अपना करा रहा है तो इसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। जितने भी 45 साल वाले हैं अभी आप कोशिश करिए, ये जो अभी आने वाले अगले महीने का जो मई 10-12 तारीख तक 15 तारीख तक जितने भी 45 साल की उम्र वाले हैं उनको सबको ठेल के भेजिए वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। मैं जैसा ही डालता हूँ व्हाट्सएप में, तुरंत आदमी इकट्ठा करो, 5 आदमी 10 आदमी 15 आदमी जितने भी हैं नंबर। और उसके बाद में शायद 20 तारीख से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी जो है 18 साल के ऊपर वालों के लिए चालू करने वाला है। उस समय जल्दी से जल्दी अपना नाम रजिस्टर करा के आप वैक्सीन कराइए। वैक्सीन टीकाकरण क्या होता है, पहले जो पोलियो के टीके वो सब होते थे ना जी, इसलिए होते थे बीमारी आने के पहले बचाव, अपना बचाव करने के लिए सारे चीज़ हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए, नहीं तो बाहर लेने जाएंगे वही चीज़ आपको 1500-2000 रुपये खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे लोग को भी प्रचार करो, 45 साल की उम्र वालों को, वो डरेंगे भी तो कोई डरने की बात नहीं है, चीटी ज़्यादा काटने इंजेक्शन ही लेना है ना भाई, तो उनको ये करो। और साधु साहब को, खट्टे जी को बताओ कि भाई आपके डर रहा है, ये वैक्सीन नहीं किया है, जाके इसको वैक्सीन, क्योंकि वो वैक्सीन कराएंगे वो दूसरों को फैलाएंगा नहीं, कम से कम आप लोग बचे रहेंगे, ठीक है। तो बीमार भी होने उसको बीमारी लगेगी नहीं तो फैलाएंगा कहाँ से, अगर जो वैक्सीन लिया तो,
इसलिए प्रचार करो। और जैसे ही 18 साल का आता है, आप लोग ज्यादा लोग तो 45 साल के नीचे वाले ही है, आपका उम्र हो गया होगा ना, 45 के ऊपर ही होंगे ना। हाँ, बस आधार कार्ड के हिसाब से तो आप जाके लीजिए, ठीक है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वैक्सीन हम लोग लेने से डरते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सुनने में जो हम लोग भाई वो सब अफवाह है भाई, की तरह मिलता है कि किसी ने वैक्सीन लगवाया, सही सलामत अपने घर से पैदल जाके वैक्सीन लगवाया। देखिए भाई, देखिए वो सब झूठा प्रचार है, उसके चक्कर में मत रहिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा दूसरा डोज भी हो गया, समझे। मैं 10 मार्च को पहला डोज लिया था, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उधर डॉक्टर लोग ने बोले कि बुखार आएगा, ये टैबलेट की जरूरत पड़ने से 2 टैबलेट भी दिए थे, बुखार आने से टैबलेट खाओ बोल के, लेकिन मेरे को वो 2 टैबलेट खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और जो है हल्का अभी कोई भी चीज आपके शरीर के अंदर में जाएंगी तो थोड़ा सा तो दिखाएगा ना आपको उसका अपना असर, वही है, थोड़ा सा बुखार रहेगा, हल्का सर दर्द रहेगा थोड़ा। हर आदमी को अलग अलग मतलब सिम्टम्स रहते हैं, ज्यादा मेरे को जो है हल्के बॉडी पेन से, ज्यादा बुखार के पहले जैसा होता है ना, हल्का पहले शरीर दर्द देता है ना, उस टाइप का था, बुखार आया नहीं। और मेरे साथ वाले जो लोग दूसरे लोग लिए, किसी का सर जो है ना 2-4 घंटे भारी भारी था, ये नॉर्मल हो गया। अभी मैं दूसरा डोज लिया अभी 4 दिन पहले 27 तारीख को, 46 दिन के बाद में लेना पड़ता है दूसरा। 10 मई को हुआ था, 27 लिया, 27 के दिन भी वही थी, हल्का बॉडी पेन था, थोड़ा हल्का बुखार जैसा था, बाकी कुछ नहीं हुआ। वो सब अफवाह के चक्कर में मत रहिए, समझे ना। आप आइए, आप लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा चीज सर जानना चाहता हूँ, हाँ, दूसरा चीज ये जानकारी हम लोग को दिया जाता है जनता से, हाँ, आपके अधिकारी के थ्रू नहीं, अगर किसी इंसान को हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्लड पतला करने के लिए दवा ले रहे हो या किसी अन्य प्रकार की कोई उनके अंदर बीमारी हो, तो ऐसे व्यक्ति वैक्सीन न लगवाए। उनको तो सबसे पहले लगाना चाहिए। इसलिए सर मेरा कहना है किसी बात पर, मेरे को तो खुद पता नहीं है कि मेरे शरीर में कौन बीमारी है या नहीं। हाँ, तो आप स्वस्थ है। जो आदमी को, अरे भाई शरीर, आपके शरीर में कोई तकलीफ रहेगा तभी तो शरीर, जैसा आपको भूख लगेगी तभी तो आपको खाने की इच्छा रहेगी ना, आपका पेट भरा हुआ है तो आपको भूख लगेगी क्या, नहीं लगेगी। कोई चीज आपके शरीर में कोई चीज कमी है तभी तो आपको उसका इंडिकेशन देगा ना। भाई आप पैदल चल रहे हो, पसीना नहीं आ रहा है, लेकिन आप पैदल चलते समय वही पैदल चल रहे 5 साल के बाद में पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब भाई आपकी शरीर आपको कुछ दिखा बताना चाह रहा है, तभी वो पसीना आ रहा है। तो जब पसीना आ रहा है या सांस फूल रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मेरे को पसीना ज्यादा आ रहा है, पहले नहीं आता था, पहले मेरी सांस नहीं फूलती थी, अभी सांस फूल रही है। तो शरीर जो है ना, आप में अगर कुछ कमी आ रहा है ना, तो शरीर अपने आप आपको एक क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेशन देगा कि भाई हाँ देख तेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको बीपी की शिकायत है या शुगर की शिकायत है, फिर कोई चक्कर आता बोलेंगे तो ठीक है भाई ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, तो फिर वो आप शुगर निकलता है या क्या निकलता है। कभी कभी आदमी सोचता भी हो तो उस हिसाब से अपना बॉडी का ये भी चेंज होता है, उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि भाई वैक्सीन लेने के पहले बढ़िया सा पेट भर खाना खा के जाइएगा, क्योंकि वैक्सीन जो है ना खाली पेट नहीं लेना चाहिए, खाली पेट लेते हैं तो बहुत सारे लोग को चक्कर वक्कर आके गिरते हैं, इसलिए पेट भरा रहना चाहिए और बढ़िया खा के जाइए, नंबर लगाइए या नंबर लगा के आके अपने कैंप में बढ़िया खा के एक घंटे के बाद में पहुंचिए, आपका नंबर वहाँ पे लगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैक्सीन के लिए पूरा प्रचार करिए आप लोग सब मिलकर।